मेरठ में नरेंद्र मोदी की रैली में मैं भी चौकीदार के लगे नारे, कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। प्रयागराज में बीजेपी नेता कलराज मिश्र अदालत में हुए पेश, मिली जमानत। पीएम मोदी के कार्यों का प्रचार करने पर भाजपा कार्यकर्ता संघ सपा के कार्यकर्ताओं ने की मारपीट। लखनऊ में तीसरे चरण की 10 सीटों के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। अमेठी में मीडिया से रूबरू हुई प्रियंका गांधी, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को दी बधाई। अनुराग ठाकुर ने कहा, बीजेपी ही देश की सच्ची हितेशी है। लखनऊ में दरोगा भर्ती 2016 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अलीगढ़ में भाजपा, कांग्रेस और बसपा प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। AIMIM के युवा प्रदेश महासचिव बोले, शकुंतला भारती के तार किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े लगते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं तनीषा शर्मा, इंडिया 24x7। आजम खान समेत पत्नी